हिंदू नेताओं ने अवार्ड नवार धमकीओ मळती खोई छे, त्यारे सतत टार्गेट मारता हिंदू नेता उपदेश राणाने फरी धमकी मळी छे। आ वखते पण व्हाट्सएप कॉल द्वारा धमकी आपवामां आवी हती, जेथी उपदेश राणाए पोलीस मदतमां जई फरियाद नोंधावी छे, जेना आधारे पोलीसे वधु तपास हाथ धरी छे। धमकी आपनारे व्हाट्सएपना माध्यमथी कह्युं के आईएसआईएस से बोल रहा हूं, हमारे अभी कुछ ही लोग पोलीस ने अरेस्ट किए हैं, अभी बहुत लोग तेरी हत्या करने के लिए पूरे भारत में तेरे पीछे घूम रहे हैं, बहुत ही जल्द तेरी गाड़ी के नीचे बम लगाकर तेरी हत्या कर दी जाएगी। आ रीति धमकी मळता उपदेश राणा पोलीस मथके दौड़ी आव्या हता, ज्यां तेमणे फरियाद नोंधावी हती। एक महीना थी आईएसआईएस द्वारा धमकीओ आपवामां आवी रही छे। गत रोज कोडादरा पोलीस स्टेशन खाते उपदेश राणा द्वारा फरियाद करवामां आवी छे, सरकार पासे सुरक्षा वधारवानी मांग करवामां आवी छे, त्यारे पोलीस रक्षण धमकीने पगले वधारवामां आवे तेवी मांग कराई छे। उपदेश राणा सनातन संघ चेयरमैन, एफआईआर कोडादरा पुलिस ने कल दर्ज की है। देखिए, अप्रैल मई में घटना हुई थी, सूरत से एक मौलवी गिरफ्तार हुआ था, जो बाद में प्रकाश में ये आया था कि पाकिस्तान से 1 करोड़ की सुपारी उसने मेरी हत्या की तथा अन्य जो हिंदूवादी नेता थे उनकी तय की हुई थी। इसमें 4 शूटर भी पकड़े गए थे, टोटल 4-5 लोग गिरफ्तार हुई थी देश से। तो मुझे सभी से निरंतर धमकियाँ आ रही हैं। धमकियाँ इस प्रकार से आती हैं कि उपदेश राणा अपनी लोकेशन भेज, हम आईएसआई से बोल रहे हैं, अभी हमारे कुछ लोग पकड़े गए हैं, बहुत लोग अभी बाकी हैं, तेरी गाड़ी के नीचे बम लगा दिया जाएगा, तेरी गर्दन काट दी जाएगी। तो मैं निरंतर सारी जो आवेदन थे इनसे संबंधित, मैं लोकल पुलिस स्टेशन में, गुजरात से बाहर भी जहाँ मुझे धमकी आती थी वहाँ पर निरंतर मैं दे रहा था। तो इसी प्रकरण पर कल संज्ञान लेते हुए कोड़ादरा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। व्हाट्सएप कॉल से धमकी दी जा रही थी, उसमें जो कहना था, जो उसमें कंटेंट है, वो इस तरीके से है कि उपदेश राणा अभी हमारे कुछ ही लोग पकड़े गए हैं, अभी बहुत बाकी हैं, हम तेरी हत्या करके मानेंगे, तो अपनी सूरत की लोकेशन भेज। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ है क्लियर कि सूरत की लोकेशन भेज अपनी, और हम तेरी गाड़ी के नीचे बम लगा देंगे। तो इतनी सारी चीज़ें वो एक साथ, मतलब जो धमकियाँ देते हैं लगातार दे रहे थे, जिस पर एफआईआर कल दर्ज हुई है।